हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुषमा और आज हम आपको बताएंगे कि मलेरिया होने के क्या लक्षण होते हैं और इसे रोकने के क्या उपाय होते हैं। बारिश होने के बाद कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैलने लगती है, उनमें से एक है मलेरिया। बारिश में यहाँ वहाँ पानी जमने लगता है। इस जमे हुए साफ पानी में एनोफेलेस नाम के मच्छर पनपने लगते हैं, जिनके काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया होने पर इसका इलाज कराना बहुत जरूरी होता है। तो आइए अब जानते हैं कि मलेरिया होने के लक्षण क्या होते हैं और उसके आयुर्वेदिक उपाय क्या है। मलेरिया का सबसे पहला लक्षण है ठंड लगना और शरीर का कांपना। दूसरा लक्षण है ठंड के साथ साथ बुखार आना, प्यास लगना, उल्टी आना और बेचैनी से महसूस होना। इन सभी लक्षणों के साथ रोगी को कब्ज और घबराहट भी होने लगती है। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जिनसे मलेरिया को दूर भगा सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट 4 से 5 तुलसी के पत्ते अच्छी तरह चबाकर खाएं। इससे थोड़े ही दिनों में बुखार उतर जाता है। मलेरिया को जल्दी ठीक करने के लिए 10 ml पानी में हींग डालकर उसे उबाल ले और उसका लेप बना ले। इस लेप को हाथों और पैरों के नाखूनों पर लगा दें। इससे कुछ ही दिनों में मलेरिया से राहत मिलती है। थोड़ा नमक ले, उसे तवे पे तब तक सेके जब तक उसका रंग भूरा ना हो जाए। फिर उसमें से 1 चम्मच नमक 1 गिलास पानी में मिलाकर खाने के बाद पिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखिए, ये तब करें जब आपको बुखार ना हो। बुखार होने पे इसका सेवन ना करें। अगर मलेरिया का बुखार बार बार आए तो छाछ का सेवन जरूर करें। सेब को खाने से भी मलेरिया का बुखार कम हो जाता है, तो सेब का अधिक से अधिक सेवन करें। सौंठ और पीसे हुए धनिये को बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को पानी के साथ लें। इससे मलेरिया के रोगी को बहुत आराम मिलता है। नींबू पानी पीने से भी मलेरिया के बुखार में बहुत राहत मिलती है। पीसी हुई काली मिर्च और नमक दोनों को नींबू में लगाकर चूसे। ऐसा करने से बुखार की गर्मी उतर जाती है। ऐसा दिन में 2 बार करें। ऐसा तब तक करें जब तक आपका बुखार पूरी तरह ना उतर जाए। 5 काली मिर्च को 500 ग्राम नीम की पत्तियों के साथ बारीक पीसकर उसे एक कप में छान लें। इसे थोड़ा थोड़ा करके मलेरिया के रोगी को पिलाएं। इससे रोगी को मलेरिया का बुखार नहीं आता। अमरुद के ज्यादा से ज्यादा सेवन करने से भी मलेरिया का बुखार भाग जाता है। लगभग 20 ग्राम शहद, 1/2 ग्राम पिसा हुआ सेंधा नमक, 1/2 ग्राम हल्दी, इन सब को गर्म पानी में मिलाकर रात को पिए। ऐसा करने से मलेरिया का जुखाम और बुखार ठीक हो जाता है। 1 चम्मच बिना सिका हुआ जीरा पीसकर उसमें 3 गुना गुड़ मिलाकर इसकी गोलियां बना लें। मलेरिया के दौरान ठंड लगने पर इसे 1-1 घंटे में खाते रहें। इससे आपको बुखार नहीं आएगा। मलेरिया में इन सभी आयुर्वेदिक उपायों से लाभ मिलता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि बारिश में अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि इस जमे पानी से मलेरिया के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती है। इसलिए अपने आसपास के घर की जगह साफ रखें। हमने जो उपाय बताए हैं, ये मलेरिया के प्राथमिक उपाय हैं। अगर इससे रोगी को राहत ना मिले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। इसी के साथ मलेरिया के लक्षण और उपचार में बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इसी तरह के और भी घरेलू नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। और आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जिसे अपनाकर आप अपने स्तनों के आकार या साइज को बढ़ा सकती हैं।